नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वर्कआउट इंटेंसिटी के बारे में। दोस्तों आपके वर्कआउट से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके इसके लिए आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी का सही होना बहुत जरूरी है। देखिए इंटेंसिटी बढ़ाने का जो सबसे पॉपुलर तरीका, जो सबसे फेमस तरीका जो हम सब जानते हैं वो है जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें वेट ज्यादा लिफ्ट करें, मतलब जिसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग ये वेट लिफ्टिंग का एक प्लेटो हिट कर जाते हैं, मतलब कि चाह के भी हम उससे ज्यादा वेट अब लिफ्ट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलरली वर्कआउट में। चाहे वो आपकी बेंच प्रेस हो, चाहे वो आपकी डेडलिफ्ट हो, या कोई भी ऐसा वर्कआउट हो सकता है जिसमें आप वेट ज्यादा लिफ्ट करना चाहते हो लेकिन आपके जो बॉडी का मैक्सिमम पोटेंशियल है वो रीच हो चुका है। मतलब उससे ज्यादा अगर अब आप वेट लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% इंजरी के चांसेस बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जिससे हम उसी वेट के साथ अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी टेक्निक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम सेम वेट के साथ अपनी वर्कआउट की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये इंटेंसिटी बढ़ाने की टेक्निक्स जानने से पहले ये इंटेंसिटी क्या होती है वो जानना जरूरी है इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कि जब भी आप वर्कआउट करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसमें इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। हम एक डेफिनेशन जानते हैं कि इंटेंसिटी का मतलब वर्कआउट में क्या होता है। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल पावर दैट द बॉडी यूजेस व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। मतलब जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो या फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका बॉडी कितना फिजिकल पावर जनरेट करता है उसको हम फिजिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जो पहली टेक्निक यूज करने वाले हैं वो इस डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो दोस्तों यहां से आगे वीडियो में थोड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज होगी तो उसके लिए मैं अभी से माफी मांग रहा हूं कि थोड़ा समझने में मुश्किल हो आपको तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन चीजें आपको अच्छे से समझाने के लिए ही ये टेक्निकल टर्म्स का यूज करना जरूरी है। तो दोस्तों जैसा कि हमने इंटेंसिटी की डेफिनेशन से जाना कि इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ पावर दैट द बॉडी यूजेस व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, तो सबसे पहले हम जो पावर है वो कैसे मेजर करते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए हम सीधा पावर के इक्वेशन के ऊपर आ जाते हैं कि फिजिक्स में पावर का जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे वर्क को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो वर्क का इक्वेशन हमें मिलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का मतलब है कि जो भी आप वेट उठा रहे हो उसकी अमाउंट, 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो जितना भी है उसको हम यहाँ पे फोर्स गिनेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो वेट को आप कितने डिस्टेंस पे उठा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो तो शोल्डर प्रेस करते हुए जितने भी रिपीटेशंस किए उसका जो डिस्टेंस है वो टोटल करके अगर आप वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वर्क आपका जो सेट के दौरान हुआ है वो, और टोटल आपके वर्कआउट का ये वर्क आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा वर्कआउट के दौरान जितना हुआ उतना। तो अब हमें पावर का जो इक्वेशन मिला वो हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स को जैसे हमने वेट बोला है यहाँ पे कि जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं, और हमने वीडियो के शुरुआत में ही ये बात करी थी कि वेट हम और ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे उसके लिए ये पूरी चर्चा हो रही है। तो फोर्स को हम यानी कि वेट को हम नहीं बढ़ा सकते, डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स है क्योंकि आपका रेंज ऑफ मोशन है उससे ज्यादा ऊपर आप उस डंबल को नहीं भेज सकते। तो यहां पे बचा एक तरीका वो है जो डिनोमिनेटर है, मतलब कि जो विभाजक में है यानी कि टाइम, उसको कम कर दो।
स्कूल में हमने इतनी तो पढ़ाई करी हुई है सबने कि जो भी विभाजक में होता है उसको अगर कम करेंगे तो जो आउटपुट है वो ज्यादा मिलेगा। तो पावर मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो उसका टाइम अगर कम कर दोगे तो आपकी इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये टाइम आप कम कर सकते हो दो सेट के बीच का जो रेस्ट टाइम है उसको कम करते हुए। जितना भी वर्कआउट के दौरान आप रेस्ट ले रहे हो अगर वो टाइम आप कम कर दोगे तो आपकी इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और कैसे, उसके लिए पूरा हमने फिजिक्स का जो इक्वेशन है वो भी जान लिया है। तो इसलिए इस बात की सीरियसनेस को समझाने के लिए ही मुझे ये इक्वेशन और इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स को यूज करना पड़ा कि वर्कआउट के टाइम में अगर आप बहुत ज्यादा रेस्ट ले रहे हो तो आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी खराब कर रहे हो। जिम में गए, मोबाइल यूज कर रहे हो, बातें कर रहे हो, मशीन पे बैठे हो, ये हर एक चीजों से आप अपनी जो इंटेंसिटी है वो खराब कर रहे हो। तो ये पहली टेक्निक थी अपने वेट को बढ़ाए बिना इंटेंसिटी बढ़ाने की वर्कआउट की, वो है रेस्ट टाइम कम करना। और इसी इक्वेशन से एक और टेक्निक निकल के आती है कि अपनी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको पूरा रखिए। जैसे कि यहाँ पे पावर का इक्वेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपका डंबेल, बारबेल या जो भी मशीन आप लिफ्ट कर रहे हो वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रहा है वो अमाउंट। तो अगर आप शोल्डर प्रेस का एग्जांपल लेते हो तो अगर ऐसे ऐसे शोल्डर प्रेस मारोगे तो डिस्टेंस कम हो गया, उसकी जगह पूरे रेंज ऑफ मोशन के साथ अगर आप शोल्डर प्रेस करोगे तो वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए ये रेंज ऑफ मोशन भी रिलेटिव होती है कि आपके जॉइंट के ऊपर इफेक्ट आए उतना भी डिस्टेंस नहीं बढ़ाना है, उसकी जो सेफ रेंज ऑफ मोशन है उसमें ही हमें मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन का यूटिलाइज करना है। तो ये दूसरी छोटी सी टेक्निक इस इक्वेशन से बाहर निकल के आती है कि वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ानी है थोड़ी सी तो अपनी रेंज ऑफ मोशन पूरी रखिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अंकित भाई फोर्स का इक्वेशन तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन देखिए आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मास को यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट रहता है यहाँ पे वो है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को अगर आप वेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो आपको वेट मिल जाता है। और इसीलिए हम वेट को भी फोर्स के तौर पे ले सकते हैं। उसका जो एक इक्वेशन है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा कि वेट को हम कैसे फोर्स के स्वरूप में ले सकते हैं। तो इसलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम उसको जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट गिन सकते हैं फोर्स के रूप में। सो यहां तक वीडियो को सहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ये टेक्निकल टर्म्स ज्यादा यूज हो रही हो तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि जितना उतना सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, लेकिन कई बार बहुत सिंपल कंसेप्ट को भी लोग समझते नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि जिम में ज्यादातर लोगों को वर्कआउट इंटेंसिटी सिर्फ वेट बढ़ा के ही इंक्रीज करनी है, लेकिन आप उसी वेट के साथ सिर्फ टाइम कम करते हुए भी वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, वो समझाने के लिए इतना बड़ा टेक्निकल लेक्चर देना पड़ा। और देखिए इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपको वेट नहीं बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि एक लिमिट के बाद अगर आपका सीएनएस फटीक हो रहा है वेट ज्यादा लिफ्ट करने से, आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रहा है, सीएनएस फटीक होने की वजह से इंजरीज आ रही है बॉडी में, बॉडी आपका ठीक से रिकवर नहीं हो पा रहा है, तब आपको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ वो यूज करनी है। दोस्तों तीसरी टेक्निक जो आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो वो है अपने वर्कआउट में ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट्स इंट्रोड्यूस करना। ड्रॉप सेट का मतलब है कि आप कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का वेट आप उठाया,
उससे जितने मैक्सिमम रिपीटेशंस निकल रहे थे वो खत्म किए। फिर बिना रेस्ट लिए वेट ड्रॉप करके लाइट वेट उठाया, उससे एक स्टेप लाइट वेट, और बाकी के जितने रिपीटेशंस निकल रहे थे वो कंप्लीट किए। इसको बोलते हैं ड्रॉप सेट, मतलब कि ग्रेजुअली आपने वेट को जो है वो ड्रॉप किया। सुपर सेट्स का मतलब है कि आपने एक एक्सरसाइज खत्म करी और बिना रेस्ट लिए दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आप शोल्डर प्रेस कर रहे थे तो बिना रेस्ट लिए शोल्डर प्रेस खत्म करने के बाद आपने लेटरल रेज शुरू कर दिया, तो ये हो गया सुपर सेट। सुपर सेट में आप पूरा बॉडी पार्ट भी बदल सकते हो, लेकिन उसको अभी ज्यादा डीप में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे अपनी चौथी टेक्निक के ऊपर। दोस्तों, चौथी टेक्निक जो आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो वो है स्लो इसेंट्रिक। स्लो इसेंट्रिक का मतलब है कि जब भी आपका वेट नीचे की तरफ जा रहा हो उसको स्लो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो तो बाइसेप्स कर्ल में अगर आप कॉन्सेंट्रिक, मतलब कि ऊपर आने वाला फेस खत्म करने के बाद, इसेंट्रिक में ऐसे ही अगर एक सेकंड में ही नीचे जा रहे हो तो वहां पे आपकी इंटेंसिटी कम होगी। उसकी जगह आप अगर नीचे जाते समय इसेंट्रिक फेस के समय 2 से 3 सेकंड लेंगे, कम से कम 3 सेकंड लेनी चाहिए, यानी 1, 2, 3 इस तरह से अगर नीचे जाएंगे तो उसी सेम वेट में आपका जो इंटेंसिटी होगा वर्कआउट का वो बढ़ जाएगा। तो ये एक और टेक्निक कि अपने इसेंट्रिक्स को जितना हो उतना स्लो कीजिए अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। पांचवी टेक्निक जो आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो वो है रिपीटेशंस ज्यादा करना। आप ज्यादा रिपीटेशंस करके भी अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे आपका एंड्योरेंस ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेंथ गेन में उसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट की हाइपरट्रॉफी आप रिपीटेशंस बढ़ा के भी अचीव कर लोगे। तो अगर किसी एक्सरसाइज में आपसे लोड नहीं बढ़ रहा है तो वहीं पे रुक जाने से बेटर है कि उसी वेट में 2-3 रिपीटेशंस ज्यादा निकाल दो। उसमें भी मसल वेयर एंड टियर कुछ अमाउंट तक का तो हो ही जाएगा और आपकी हाइपरट्रॉफी भी थोड़ी बहुत अचीव हो जाएगी। अब दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे एक और सलाह मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जितनी भी टेक्निक्स बताई है वो हर एक को एक साथ यूज नहीं करना है। आपको एक टेक्निक यूज करके कुछ टाइम तक बॉडी को समय देना है उससे एडेप्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि कल ही जिम में गए और पांचों की पांचों टेक्निक एक साथ यूज कर दी, उससे भी आपका CNS ओवरट्रेन हो जाएगा और CNS फटीक हो जाएगा। तो ये टेक्निक्स को भी 1 by 1 यूज करो। जब आपको लगे कि एक टेक्निक का प्लेटो आ चुका है, अब वो वर्क नहीं कर रही है, तब दूसरी टेक्निक यूज करो। और मैंने वीडियो के बीच में भी बोला था, वापस बोल रहा हूं, कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड जब तक सेफली हो रहा है, जब तक आपको इंजरी नहीं दे रहा है, जब तक आपका CNS ओवरट्रेन ओवर फटिग नहीं हो रहा है, तब तक आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड से अपनी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको इंजरी हो रही है या ऑलरेडी एक इंजरी हो चुकी है, तब आप ये सब टेक्निक्स यूज करके इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। और दोस्तों, मैं अब भी वीडियोस बनाना सीख रहा हूँ, तो कहीं पे भी फंबल या एडिटिंग में कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन अब तक जैसे आपने प्यार दिया है वैसा ही प्यार आगे भी बनाए रखिए। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।